गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल सबके? हेलो अमित, हेलो हेलो अंकित, हेलो प्रशांत, हेलो कनिष्का, कैसे हो सब लोग? ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, मैंने प्रीवियस सेशन में पेयर ऑफ टेंजेंट खत्म किया था और आज अपना पैराबोला ऑलमोस्ट डन हो जाएगा और तीन चार सवाल करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अगले सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा तुम्हारे पीवाईक्यू जेई मेंस के, ठीक है। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। पैराबोला के एक दो टॉपिक और बचा हुआ है। आप कैसे? मैं ही बढ़िया हूँ प्रशांत। कुछ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है यार, किसी को याद है? किसी को पता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? अगर सबने रिवाइज करके अगर आए होंगे तो बहुत बढ़िया है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? जेई में इसके ऊपर सवाल पूछे आते हैं। हेलो, आवाज यू सर। अमित बहुत बढ़िया हो, तुम कैसे हो? क्या हाल चाल सबके? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक पैराबोला है, मान लो कोई एक पैराबोला है, उस पैराबोला इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है। और मैं ऐसे कहता हूं कोई एक पॉइंट दिया हुआ है बाहर, जो कि पैराबोला के बाहर है, ठीक है। अब इस मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट का नाम है x1, y1। क्या नाम है? x1, y1 ऐसा नाम दिया हुआ है। अब मैं ऐसे कहता हूं कि अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं जो टच कर जाए, और यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूं जो इसको टच कर जाए, ठीक है। अगर ये जो टचिंग पॉइंट है, इसी टचिंग पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्ट पॉइंट, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है। और इसी भी इस पॉइंट को भी कहते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट। एक्सक्यूज मी। तो देखो यार, यहां से इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ किया। अब जो टचिंग पॉइंट है उसको कहते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब इसी कॉन्टेक्ट पॉइंट को अगर आपस में ज्वाइन कर दो, इसी कॉन्टेक्ट पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, तो इसी को कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। और यही है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो तुम्हें यहां पर पूछा क्या जाता है? यहां पर यह पूछा जाता है कि जैसे मान लो कोई पॉइंट बाहर दिया गया है और एक पैराबोला दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहां से जो कॉर्ड बनता है, तुमसे पूछा जाता है इस कॉर्ड का क्या इक्वेशन होगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तुम्हें फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इक्वेशन ऑफ जो कॉर्ड होता है, लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ जो कॉर्ड होगा वो होता है टी इज इक्वल टू जीरो। क्या होता है? टी इक्वल टू जीरो। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। टी इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। सवाल ये है कि सर ये आया कैसे, थोड़ा इसको एनालाइज कर लेते हैं। कोई बच्चा पूरा डेरिवेशन कैसे कर होगा? बड़ा बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखो, पहले मैं तुमको एग्जाम्पल समझाता हूं, तुमको साथ और से क्लियर हो मैं कहना क्या चाहता हूं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तुमको दिया हुआ 8x, मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल देते वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। अब मैं ऐसे कहता हूं कि कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, अज्यूम करते कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं 3,1, ठीक है, 3,1। अब मैं कहता हूं कि यार जैसे मान लो कि पैराबोला दिया हुआ है और तुमको कोई पॉइंट दिया हुआ है 3,1 दिया हुआ है, ठीक है। यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इसका कह रहा कॉन्टेक्ट जो पॉइंट है उसका कॉर्ड क्या है और तुझे इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या है।
तो सबसे पहले क्या करना है, बस तुमको t इक्वल टू बस तुमको जीरो करना है। क्या करना है, t इक्वल टू जीरो करना है। अब t इक्वल टू जीरो कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है कि y स्क्वायर क्या पढ़ाया था मैंने, देखो t इक्वल टू जीरो मतलब सबको पता होना चाहिए कैसे करते थे, y स्क्वायर क्या बोलते थे, y y1 यही पढ़ाया था मैंने, y y1। ठीक है, पेरिस पैराबोला को यहां ले लो, यहां से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अब y स्क्वायर क्या बोल दिया, y y1 माइनस 4a, इस x को क्या बोल देंगे, x प्लस x1 बाई 2। ये मैंने पढ़ाया था टेंजेंट की कहानी। ठीक है, देखो ध्यान रखो ये भी टेंजेंट का इक्वेशन होता है, लेकिन कब होता है, जब पॉइंट पैराबोला पर होगा। अगर मान लो कोई पैराबोला ऐसा है और उसमें कोई पॉइंट तुमको दिया हुआ है x1 कॉमा y1, ठीक है, और तुमसे पूछ लो बताओ इससे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तब तुम कहोगे कि सर t इक्वल टू जीरो होता है। क्या होगा, t इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, लेकिन ये समझो कि अगर मैं कहता हूं ये जो पॉइंट है बाहर हो जाए तब वो बनता है क्या, तब t इक्वल टू जीरो अप्लाई करने से क्या बनता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहां पर देखो पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर को बोल दूंगे वाई, पहले ऐसे कर लो y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू जीरो कर लिया, यहां से तो कितना जाएगा y y1 माइनस 8, x की वैल्यू कितनी जाएगी x प्लस x1 by 2 इक्वल टू जीरो बोल दिया। इसका मतलब y y1 कितना है सर, y1 तुमको 1 दिया हुआ है, यहां लिख दो 1, माइनस 8 by 2 जाएगा 4, यहां पर लिख दो x प्लस x1 की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू जीरो कर दो। तो जो भी आंसर आएगा y माइनस 4x यहां से माइनस 12 इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। बात खत्म, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हेलो रोनित, क्या हाल है, कैसे हो। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब ये किसी बच्चे ने कह रहा है इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो डेरिवेशन बड़ा सिंपल है, मैं तुमको थोड़ा सा हिंट देता हूं, तुम शायद इसको एनालाइज कर पाओगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तुम ऐसे करना, एक पैरामेट्रिक पॉइंट लेना 81 स्क्वायर कॉमा 281, इसको ले लो 82 स्क्वायर कॉमा 282, मान लो तुम कॉर्ड का इक्वेशन निकाल पाओगे, यस सर निकाल पाएंगे, निकाल पाओगे, निकाल पाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, इसको पैरामेट्रिक में 81 T2 लेता हूं, T1 में इसको T2 में लेता हूं, यार ये क्या है, टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, 81 T2 कॉमा 81 प्लस T2 होता है। तुम यहां से जब निकालोगे ना, यहां से जो इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन जो आएगा कॉर्ड का, तुम जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, और यहां से a t1 plus t2 होगा ना, वो कुछ कोरिलेट करोगे ना, ये बेसिकली जो ये जो ना ये यही आएगा वहां पर। मतलब मैं कहना चाहता हूं तुम कॉर्ड ऑफ a t1 square comma 2a t1 लेना, a t2 square comma 2a t2 लेना, यहां से निकाल देना कॉर्ड का इक्वेशन। अब जब देखो तुम देखोगे ना कोरिलेट करोगे, यहां पर क्या एक क्या दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या होगा a t1 plus t2 का पढ़ाया था मैंने, जब तुम इसे कोरिलेट करोगे यही बनेगा, यही बनेगा, बात करते। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, प्लस t इक्वल जीरो कर दो, बात करते। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक बेसिक सवाल, और शायद तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं अमित कहना क्या चाहता हूं। तो यहां पर देखो, ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इसको एनालाइज करो। यहां पर ये कह रहा है कि इफ द लाइन x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू जीरो, बोलो इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो ये है y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द लाइन x माइनस y माइनस 1, एक लाइन दिया हुआ है ऐसा, मान लो लाइन तुम्हें क्या दिया हुआ है, x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे, ये कह रहा है P और Q पे कट कर रहा है ऐसा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या कह रहा है, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड क्यू। देखो ये पूछ रहा है कि यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करे और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, मान लेते हैं आर है, मुझे पता नहीं, मान लेता हूं मैं आर, ये पी दिया है क्यू दिया है, कह रहे दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है आर, अब मुझे पूछ रहे आर क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने सीखा कि सर मान लेते हैं, मुझे पता नहीं कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, और तुम अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो सर ये ऐसा ही कुछ है, x1 y1 है, यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, अगर इस कॉर्ड का इक्वेशन बोलो तुम क्या बोलोगे, सर t इक्वल टू जीरो बोलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर सेम दिख रहा है कि x1 y1 है, यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जो होगा ये क्या होगा, कॉर्ड होगा, तो मतलब इक्वेशन ऑफ पी क्यू जो होगा, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। ठीक है,
वो कितना होगा सर, टी इक्वल टू जीरो होगा। मतलब इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा, यही तो होगा, और टी इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। अच्छा बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स, तो कैसे करेंगे सर, वाई स्क्वायर को बोल देंगे वाई वाई वन इज इक्वल टू एट, एक्स के पे क्या जाएगा एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, मैंने ऐसे बोल दिया। अब मुझे बताओ कि यहां से तो सिंप्लीफाई करते हो, वाई वाई वन इज इक्वल कितना हो गया फोर, एक्स प्लस एक्स वन हो गया बिकॉज एट बाय टू है। मतलब देखो मैं ऐसे करता हूँ, वाई वाई वन इज इक्वल टू चार का मल्टीप्लाई कर लो, फोर एक्स प्लस फोर एक्स वन हो गया। अब ये सोचो कि वाई वाई वन को यहां लेते हैं, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर फोर एक्स यहाँ गया तो माइनस वाई वाई वन यहाँ पर हो गया फोर एक्स वन। ये किसका इक्वेशन आया, ये आया इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ये आ गया तुम्हें इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, पी क्यू का इक्वेशन तो ये आ गया, लेकिन तुम्हें पी क्यू का इक्वेशन दिया क्या है, ये दिया हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस वन दिया हुआ है। देखो तुम्हें क्या दिया हुआ इक्वेशन, एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। अच्छा यार इसका मतलब सर दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, ये भी पी क्यू इक्वेशन, ये भी पी क्यू इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन क्या है सेम ही है। अगर दोनों इक्वेशन सेम ही है तो इसका मतलब क्या है, इसका से दोनों कोफिशिएंट को हम लोग बराबर कर देंगे। तो यहां देखो वन दिया, यहां पर वन दिया है, मतलब एक्स के साथ चार है यहां पर, मैं कुछ हाँ ठीक है, एक्स के साथ चार है या एक्स के साथ वन है, तो मैं ऐसे करता हूं फोर बाय वन कर दिया। यहां देखो वाई के साथ माइनस वाई वन है या वाई के साथ माइनस वन है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। देखो यार कांस्टेंट कितना दिख रहा है, फोर एक्स वन दिख रहा है, या कांस्टेंट कितना दिख रहा है माइनस वन दिख रहा है, इसको मैंने प्रोपोर्शनलिटी सेम कर दिया। अब बताओ क्या होगा, सिंपल से दोनों को इक्वेट करते हैं। देखो फोर इज इक्वल टू कितना हो गया वाई वन, अब फोर इज इक्वल टू कितना होता है, देखो यहां से माइनस फोर एक्स वन कैंसिल किया तो माइनस वन इक्वल टू एक्स वन हो गया, तो एक्स वन की वैल्यू हो गई माइनस वन, वाई वन की वैल्यू हो गई फोर हो गई। देखो यहां से तुम्हें एक्स वन कॉमा वाई वन जो मिला वो कितना मिल गया, x1 की वैल्यू हो गई माइनस वन, वाई वन की वैल्यू हो गई फोर, तो माइनस वन कॉमा फोर हो गया। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस वन कॉमा फोर, ये एकदम सिंपल सा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है अब बढ़ते हैं आगे और सवाल करते हैं, और किसे सवाल आते हैं। अब यार एक सवाल ये है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, सब सिंपल ही क्वेश्चन है। यहां पर समझो क्या लिखा हुआ है, find the locus of point, find the locus of point whose chord of contact with respect to the parabola y square equal to 4bx। अच्छा एक पैराबोला है y square equal to 4bx, या बोला find the locus of point, locus of point मतलब h comma k मान लो, whose chord of contact मतलब यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करो, माय मिस्टेक्स, मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसा, देखो ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बोला हूज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो दिया है, क्या बोला है विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला इज द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, मतलब ये जो कॉर्ड है वो एक पैराबोला है जिसका नाम है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, वो उसका टेंजेंट है। ठीक है क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे समझते हैं और गहराई में जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये पॉइंट है इसका लोकस पूछ रहा है, जहां से मैंने क्या बनाया टेंजेंट बनाया और यहां से बन गया कॉर्ड। बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर बी एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर बी एक्स दिया हुआ इज द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये जो है ये टेंजेंट है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। ठीक है तो पूछ रहा है लोकस क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका कि सर पहले कॉर्ड का इक्वेशन निकालते हैं और फिर सोचते हैं, तो पहले कॉर्ड का इक्वेशन निकालते हैं, पता क्या होगा h कॉमा k दिया गया है, फॉर्मूला हो गया t इक्वल टू जीरो, क्या हो गया t इक्वल टू जीरो किसके लिए, इसके लिए बिकॉज ये क्या है इस चीज का कॉर्ड है, तो y स्क्वायर क्या बोल दूंगा y y वन मतलब हो जाएगा के ऐसा, फिर 4b देखो x के जगह पे क्या आएगा x प्लस एक्स वन का मतलब हो गया h डिवाइड बाय टू, मैंने ऐसे बोल दिया। यहां से कितना आ गया वाई के इज इक्वल टू फोर बाय टू हो गया टू बी, यहां पर हो गया एक्स प्लस एच हो गया। ठीक है ना अब समझो कि वाई के इज इक्वल टू कितना हो गया टू बी का मल्टीप्लाई कर लो एक्स के साथ, ये हो गया फिर प्लस टू बी
एच हो गया, इसको मैंने ऐसे बोल दिया। अब बताओ वाई के को यहां ले लो, देखो टू बी एक्स, इसको यहां कितना आएगा माइनस वाई के प्लस टू बी एच इक्वल टू कितना हो गया जीरो। ये हो गया इक्वेशन, किसका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया इस कॉर्ड का। यहां तो सर कहानी खत्म हो गई। अब समझो कि सर ये जो कॉर्ड है वो इस पैराबोला का क्या है, टेंजेंट है। सोचो इस पैराबोला क्या टेंजेंट है, और टेंजेंट पैराबोला कहते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स दिया है। तो सर तुम ये सोचो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो क्या सीखा था, देखो तो कोई भी फॉर्म में सोचो, पैरामेट्रिक फॉर्म में सोच लो कितना होता बताओ। सर अगर मैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालू तो क्या सीखा है हमने, सर हमने सीखा था टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। मैंने कहा था याद रखना, मैंने कहा था जेई में काम आता है सब चीज, टी वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है। अब सोचो ये क्या है, ये इस पैराबोला का टेंजेंट है, लेकिन यही जो है वो तो ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब सर दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर दोनों आपस में बराबर है, दोनों के रेशियो को प्रोपोर्शनलिटी सेम कर देते हैं, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तो एक्स के साथ टू भी है लिख दो, यहां देखो एक्स के साथ वन है तो वन लिख दो, यहां देखो वाई के साथ माइनस के है तो माइनस के लिख दो। देखो वाई के साथ, अच्छा वाई को पहले यहां लेंगे आएंगे, यहां लेके आऊंगे कितना है बताओ, देखो यहां पर हो गया एक्स, यहां पर गया तो माइनस टू टी वाई प्लस ए टी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऐसा बोल दिया। तो देखो माइनस के हो गया, अभी क्या करना है, कहां गया वाई के साथ माइनस टी है, यहां देखो कॉन्स्टेंट कितना दिखा ए टी स्क्वायर है, माई मिस्टेक्स, यहां पर सॉरी ये देखेंगे पहले टू बी एच लेंगे, ठीक है ना, एक मिनट, ये हो गया टू बी एच। तो यहां पर देखो कितना हो गया टू बी एच डिवाइड बाय, यहां पर कितना हो गया ए टी स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे बोल दिया। अब मुझे एक बात बताओ यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर मैं इसको एक साथ लेता हूं और मैं यहां पर किसी को ले लो इसको एक साथ ले लेता हूं, ठीक है, मुझे बताओ टू बी, देखो यहां पर क्या हो गया टू बी इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया के बाई टी, ठीक है, यहां पर देखो टू बी इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो रहा है टू बी एच अपॉन ए टी स्क्वायर, टू बी एच अपॉन ए टी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, देखो टू बी और टू बी हो गया कैंसल, तो यहां पर हो गया वन इज इक्वल टू एच अपॉन ए टी स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। अब देखो टी स्क्वायर को यहां ले लो, तो देखो टी स्क्वायर कितना हो गया यहां से एच अपॉन ए हो जाएगा, कितना जाएगा एच अपॉन ए हो जाएगा, तो यहां से टी को यहां लो इसको यहां लो, तो टी कितना हो रहा है के बाय टू बी हो रहा है। अब क्या करूं, टी को हटाता हूं, टी को हटाता हूं, एच और के में इक्वेशन बनाता हूं, कि क्वेश्चन में कह रहा है लोकस ऑफ पॉइंट, एच और के में लोकस क्या है, लोकस का सिंपल सा मतलब कि यार एच और के में इक्वेशन बता दो क्या होगा आपका, तुम तो बताओ कितना आएगा, देखो टी की वैल्यू कितनी है के बाय टू बी डाल दो इसमें, तो के बाय टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाय ए होगी, के का स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन ए हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4hb का स्क्वायर हो गया, मतलब a k मतलब हो गया y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4h को बोल दो x b का स्क्वायर हो गया, तो आंसर क्या आ गया ay स्क्वायर इक्वल टू 4xb स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन, किसका इक्वेशन हो गया, एक लोकस का इक्वेशन हो गया, ठीक है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल सबके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये यार एक ये सिंपल सा सवाल किसका है, सिंपल सा तो नहीं कह सकते, कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रेड क्वेश्चन से देखोगे तभी क्लियर होगा, ठीक है। अब यार एक लास्ट कंसेप्ट बस यही पढ़ना है और उसके बाद एक दो तीन चार सवाल करने हैं। देखो लास्ट कंसेप्ट मतलब इसके बाद एक डायमीटर का बेसिक कंसेप्ट है, यहां पर कह रहा है कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट, ये क्या होता है, ये देखो तुम्हें मैं सर्कल में सिखाया था, मैं वापस समझाता हूं कहना क्या चाहता हूं। ये कह रहा हूं कॉर्ड विथ अ गिवन मिडल पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ ये कॉर्ड है सॉरी एक पैराबोला है, ये कह रहा हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है, मान लो मैं कहता हूं कि एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है और तुमको इसका मिड पॉइंट दिया गया है, तुमको इसका मिड पॉइंट दिया गया है, मिड पॉइंट क्या है x1 कॉमा y1,
ठीक है, वापस समझो, एक पैराबोला है और तुमको एक कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया गया है x1, y1, और तुमसे कहता हूं चलो बताओ इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कितना होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो कैसे करना है इसका, एकदम सिंपल सा रेडीमेड फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू एस वन, क्या होता है टी इज इक्वल टू एस वन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं ऐसे कहता हूं पहले वाई स्क्वायर 4x को यहां ले लो, तो माइनस 4ax इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब सोचो t का मतलब क्या होता है कि x1 y1 जो है, देखो y स्क्वायर को ऐसे बोल दो y y1 माइनस 4a, x को बोल दो x प्लस x1 बाय 2, इसको मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। और जो s1 होता है इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट उठा के डाल दो इसके अंदर, मतलब कितना जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 जाएगा, बस अपना आंसर आ गया। यहां जो भी आएगा वो अपना आंसर है, यहां से जो भी आएगा वो अपना आंसर है, ठीक है। ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ये तुम्हारा होगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, क्या हो गया वाई वाई वन माइनस फोर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू इक्वल टू वाई वन का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन, बात खत्म, ठीक है ना। सवाल ये कि सर कोई एग्जाम्पल बता दो, देखो एग्जाम्पल समझते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कहता हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4x दिया हुआ है, ठीक है, और मैं अज्यूम करता हूं कोई पॉइंट लेते अंदर 1,1 है, मतलब कोई पैराबोला है और कोई एक कॉर्ड दिया गया, इसका मिड पॉइंट तुमको दिया हुआ है 1,1, और तुमसे बोलो चलो बताओ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, तुमसे पूछ रहा हूं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कितना होगा, ये सवाल है। तो कैसे करेंगे, देखो y स्क्वायर को ऐसे बोल देते हैं y y1 4x है, मतलब कितना आ जाएगा 4x प्लस x1 बाय 2 हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे बोल दिया। इसका मतलब यहां से देखो क्या निकल के आएगा, y इंटू अच्छा y1 कितना है 1, 4 बाय 2 हो गया 2, फिर x प्लस x1 कितना दिया हुआ है 1, आ गया आंसर, मतलब बताओ कितना जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये अपना आंसर है यार, ये कॉर्ड का इक्वेशन आ गया था, ठीक है, इस कॉर्ड का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 2x प्लस 2 आ गया, बात खत्म, ठीक है ना। इस तरीके से करना है कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे, यार एक बेसिक सवाल है, इस सवाल को करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो तो यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ मिडल ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax विद पासेस द गिवन पी एन क्यू। यार बोले सर ये समझा नहीं, थोड़ा समझा दो। मैं कह रहा हूं कि एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ मिडल ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैराबोला, इसका मतलब कि ये कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट का लोकस तुमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, ये कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट को पूछ रहा है लोकस क्या होगा, x कॉमा k कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है सर, हमें एक फॉर्मूला पता है अभी पढ़ा, t इक्वल टू क्या होता है s1 होता है, क्या होता है t इक्वल टू s1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, सेम सर y y1 करेंगे, देखो मैं तो y y1 इसको यहां लेंगे तो माइनस 4a x प्लस x1 बाय 2, मैंने ये पढ़ा दिया, और देखो s1 क्या होता है सर, पॉइंट डालते थे क्या पढ़ाया था, देखो y1 का स्क्वायर माइनस 4a x1, ये पढ़ाया था ना, यही चीज देखो पढ़ा था हमने, तुम देखोगे तो यही चीज पढ़ा ना, y बाय 1 माइनस 4ax प्लस x1 बाय 2 y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 पढ़ा था। अब समझो कि मैं कहता हूं जहां y1 दिखेगा वहां k डाल दो, और जहां x1 दिखे वहां पर h डाल दो, तो कितना आंसर आएगा y इंटू के माइनस कैंसल, तो 2a x प्लस x1 कितना दिया हुआ h, y1 की वैल्यू हो गई k स्क्वायर माइनस 4ah, ये हो गया अपना आंसर, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, सॉरी ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिडल पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है, विच पासेस थ्रू गिवन पी एन क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्ड है किससे पास हो रहा है, पी और क्यू से पास हो रहा है, मतलब कह रहा है कहीं ना कहीं सर इस कॉर्ड पर एक पॉइंट पी और क्यू होगा ही, तो मतलब जहां जहां एक्स दिखे वहां पी डाल दो, और जहां जहां वाई दिखे वहां क्यू डाल दो, तो मतलब सर मैं ऐसे कहूंगा कि वाई के जगह पे डालूंगा क्यू, तो q इंटू के हो गया माइनस 2a, x की वैल्यू हो गई p, तो यहां से हो गया p प्लस h,
इज इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस फोर ए एच हो गया। मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, अब इसको उसको ओपन कर लो, तो क्यू के माइनस टू ए पी यहां से माइनस टू ए एच इक्वल टू क्या होगा, के का स्क्वायर माइनस फोर ए एच हो गया। ठीक है, अब देखो क्यू के माइनस टू ए पी को ऐसे ही रखता हूं, यहां पर देखो के का स्क्वायर है माइनस फोर ए एच है, देखो माइनस टू एच को यहां लेके आएगा क्या आएगा प्लस टू एच। ठीक है, यहां पर क्यू के माइनस टू ए पी इज इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस टू एच, मतलब माइनस टू एच हो, ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा लोकस का इक्वेशन। ठीक है ना, अब जहां जहां तुमको एच दिखे वहां एक्स डाल दो, जहां तुमको के दिखे वहां वाई डाल दो। तो देखो यहां कितना आएगा, क्यू वाई माइनस टू ए पी इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया लोकस, ये हो गया लोकस। ठीक है, ये लोकस हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये तुम्हारा लोकस है, ये हो गया तुम्हारा लोकस। लोकस कितना हो गया, क्यू वाई माइनस टू ए पी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू ए हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा लोकस का इक्वेशन हो गया, बात खत्म। ठीक है ना, अब एक लास्ट कंसेप्ट है डायमीटर, और डायमीटर होते ही तुम्हारा पूरा पैराबोला खत्म हो जाएगा, बस डायमीटर ही लास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, इसका तुम्हारा पूरा पैराबोला हो जाएगा। अब देखो आगे करना है, जैसे मान लो डायमीटर मतलब क्या होता है, तुम्हें प्रॉपर यहां पर गिवन भी है, बताया तो यहां पर कह रहा है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड डायमीटर। अब बोलोगे सर नहीं समझा क्या कह रहा है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि कोई एक पैराबोला है, ये तुमको दिया है y square equal to 4x, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि देखो ये कह रहा हूं कि जो पैरेलल कॉर्ड है, देखो ये कॉर्ड ऐसा है, एक कॉर्ड ऐसा है, एक कॉर्ड ऐसा है, एक कॉर्ड ऐसा है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसको अगर आपस में जोड़ दू ना ऐसा, तो इसी को कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर, बस इसी को डायमीटर बोलते हैं। तो ये डायमीटर हो गया, कैसे भी डायमीटर हो सकता है, ऐसे ऐसे कैसे डायमीटर हो गया। ठीक है, मतलब मैं एक ऐसे कहता हूं कि जैसे कोई भी एक मान लो पैराबोला है, मैं ऐसा कहता हूं एक मान लो ऐसा दिया हुआ है, फिर ऐसा दिया हुआ है, फिर ऐसा दिया हुआ है, मतलब ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट, इसको अगर अपन जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाओ यार, मैं एनसीईआरटी जरूर पढ़ाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो शायद होप सो अगर हुआ तो टर्म टू का मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इतिश एनसीईआरटी टर्म टू का पढ़ाऊंगा तो, और एक एक शॉर्ट वीडियो होता है ना, वन शॉर्ट जो वीडियो होता है उसको उसी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वन शॉर्ट वीडियो में हर दिन ऐसा करूंगा कि एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, थ्योरी एक पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यार, ये जेई का चल रहा है तो जेई का तो जेई के तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, उसको एनसीईआरटी तो पढ़ा नहीं सकते। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो जो मिड पॉइंट है इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, यस एग्जैक्टली, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को, देखो इसका रीजन क्या है कि तुम्हें वो कंस्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा कि जे का ही चल रहा है, एनसीईआरटी का जब बताया जाएगा तो शायद अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मतलब जब मैं बोर्ड का पढ़ाऊंगा तुम्हें, जब मैं वन शॉर्ट वीडियो पढ़ाऊंगा जे बोर्ड का एनसीईआरटी लेवल का, और एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे तो शायद तुम्हें ज्यादा मजा आएगा उसमें। यहाँ देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये जो मिड पॉइंट है इसको जोड़ा तो डायमीटर हो गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कह रहा है द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड, मतलब ये कह रहा है कि देखो ये जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड है, कॉर्ड का जो देखो ये जो है ना मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट है इसका जो लोकस है, मान लो लोकस के एच कॉमा के, इसका लोकस के एच कॉमा के। ठीक है, ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। अब देखो कैसे निकालते, कैसे ये एच कॉमा के है, ये देखो ये किसका, ये क्या है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू एस वन, ऐसा कर लो तो फॉर्मूला क्या जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, तो वाई स्क्वायर क्या बोल देंगे, वाई वाई वन, तो वाई वाई वन माइनस फोर ए, एक्स को बोल देंगे एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, इसको ऐसे बोल दूंगा। ठीक है ना, और देखो एस वन का मतलब क्या होगा, सिंपल से ज्यादा एच और के इसमें डाल देंगे तो कितना जाएगा, के का स्क्वायर माइनस फोर ए एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन जाएगा, सर ये इक्वेशन जाएगा इस कॉर्ड का, मान लो इस कॉर्ड का इसका मिड पॉइंट एच कॉमा के तुमको गिवन है, मैंने इसको ऐसे बोल दिया। ठीक है, अब यहां से कितना, यहां से सॉल्व करो वाई के, यहां से माइनस टू ए
एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो गया के का स्क्वायर माइनस फोर ए एच हो गया। ठीक है, तो वाई के माइनस टू ए एक्स मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू ए एच इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस फोर ए एच हो गया मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्लियर कट कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर जो डायमीटर है, देखो बोला, देखो m इज द स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड, मान लो कि इसके कॉर्ड का स्लोप तुमको गिवन है m, मतलब मैं कह रहा हूं कि देखो जो कॉर्ड है इसके मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा डायमीटर। अब बोला इसका मिड पॉइंट का लोकस क्या है, पता नहीं, h का k माना, इक्वेशन ये आ गया। ये इक्वेशन किसका है, इस कॉर्ड का इक्वेशन है, कोई भी रैंडमली कोई भी कॉर्ड ले सकते हो। अब इस कॉर्ड का स्लोप है m, मुझे बताओ ऑलरेडी तुमको ये डायमीटर इक्वेशन किसका दिया है, कॉर्ड का दिया हुआ है, तो इसका स्लोप निकालो, किससे निकाल देंगे, इसका स्लोप क्या होता है x के साथ कितना, ये तो मतलब माइनस ए बाय बी कितना है y के साथ के, ये हो गया। और ऑलरेडी स्लोप तुमको m दिया हुआ है, ठीक है, तो यार k को यहां ले लो, मतलब k कितना आएगा माइनस टू ए बाय एम हो जाएगा, कितना आएगा माइनस टू ए बाय एम हो जाएगा, अच्छा सॉरी माइनस ए बाय बी होता है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा प्लस टू ए बाय एम हो जाएगा, ये k क्या है y, y कितना हो गया 2a by m हो गया, ऐसे हो गया कुछ ना कुछ, तो इक्वेशन आ गया y को 2a by m। तो सर अगर ये चीज तुम्हें नहीं भी क्लियर है कोई बात नहीं, तुम्हें तो ये क्लियर पता होना चाहिए, अगर डायमीटर ऑफ पैराबोला बोल दिया तो y इक्वल टू कितना होता है 2a by m होता है, बात खत्म। ठीक है, डायमीटर ऑफ पैराबोला हो गया तो कितना हो जाएगा 2a by m हो जाएगा, इस तरीके से भी कर सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, यार कुछ सवाल है कुछ चार पांच तीन चार सवाल है वो करेंगे, और अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि अच्छा सर यूट्यूब पे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ले लो, अच्छा एक बात बताओ खुशीत, ट्रिग्नोमेट्री नहीं टर्म टू का बता दो, टर्म टू का बोलो, हेलो गुरुबख्शा, तो कौन सा चैप्टर है बताओ टर्म टू का, तो डिफिकल्ट लगे तुम्हें वो मैं स्टार्ट करता हूं यूट्यूब पर। चलो अब यहां देखो कुछ सवाल करते हैं और थोड़ा ऐसे डेवलप करते हैं अपना वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, हो गया पैराबोला डन, पैराबोला मैंने सब कुछ पढ़ा दिया और अगले सेशन पैराबोला डन हो गया, अगला सेशन हम पढ़ेंगे, अगला लेक्चर पीवाईक्यू करेंगे जेई मेंस का, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना एलिप्स चैप्टर। ठीक है, यहां पर इतने क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझते हैं, यहां पर कह रहा है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट पी 16, 16। ठीक है, ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया हुआ है, अब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट पी, कहीं कहीं पॉइंट पी दिया हुआ है, ये कितना है 16, 16 है, ऐसा दिया हुआ है। सर प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक ले लो वो हुआ ही नहीं है, अच्छा ठीक है, चलो मैं वैसे ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगा उसको, मैं एक्चुअली छह चैप्टर लेने वाला हूँ, ऐसा नहीं है सारे लूंगा, लेकिन देखते हैं अभी तुम्हें मेरे पास आने दो, फिर टर्म टू का जो भी है मेरे पास सिलेबस आने दो एक बार, फिर मैं एनसीईआरटी का पढ़ाऊंगा। यहां मैं कहना क्या था, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट पी, तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसा, ठीक है, और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसा। अब ये कह रहा है कि विच इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ पैराबोला एट ए एंड बी, अच्छा मतलब कहीं नहीं, देखो यार टेंजेंट जो है मतलब मान लेते कि एक्सिस ऐसा है, यहां पर ए पे कट कर रहा है, यहां पर बी पे कट कर रहा है। अब ये कह रहा है सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल थ्रो द पॉइंट पी ए बी, अच्छा एक सर्कल ऐसा बन रहा है, इस तरीके से एक सर्कल बन रहा है ऐसा, तो बोल रहा है पॉइंट पी ए बी देन सी पी बी इक्वल टू थीटा, तो सी मतलब सी कोई सेंटर है, मुझे पता नहीं सी कहीं पर भी है, मतलब सी यहां पर है, तो सी पी बी मतलब पूछ रहा है कि यार ये एंगल बताओ क्या होगा, सी पी बी एंगल क्या होगा। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो ये पॉइंट पी है, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब मान लो कि एक पॉइंट बन रहा है यहां पर कोई सी है, मतलब एक यहां से तीन पॉइंट से मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, सर्कल बनाने के बाद इसका सेंटर सी दिया हुआ है, तो सी पी भी पूछ रहा है इसका एंगल क्या होगा, तो कैसे करेंगे,
पहली बात देखो, मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ। ऐसा एक मान लो कि एक सर्कल ऐसा है, ये देखो तुमको दिया हुआ है ए, ये तुमको दिया हुआ है बी, ये कहीं ना कहीं तुमको सी दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं मान लो पॉइंट पी दिया हुआ है। तो पहले ये समझो कि यार ये जो होगा ये तो 90 होगा, 100% 90 होगा, 100% 90 हो, बिकॉज देखो ये टेंजेंट है, नॉर्मल है, बीच का एंगल 90 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर जो ए बी है वो डायमीटर है, ए बी क्या है डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं यहां पर होगा। मतलब जो सी है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, सी जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा स्टिग्नोमेट्री का वन शॉट वीडियो किसका लेना है, जेई का बोल रहे हो कि तुम इसका बोल रहे हो, क्या नाम है अपना, बोर्ड लेवल का बोल रहे हो, मतलब एनसीईआरटी लेवल का बोल रहे हो। अब मुझे बात बताओ ये होने के बाद कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है सर, पहले क्या करेंगे सर, पॉइंट निकाल लेंगे ए और बी का, मैं ए और बी का पॉइंट निकाल लू तो इसका मिड पॉइंट भी निकाल लूंगा सी, और सी अगर आ गया तो, सी अगर पॉइंट आ गया तो मैं क्या करूंगा सीपी, मतलब मैं क्या करूंगा सीपी का स्लोप निकाल लूंगा और पीबी का स्लोप निकाल लूंगा। इसका स्लोप निकाल लूंगा कैसे, वाई टू माइनस फाइव वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका भी स्लोप निकाल लूंगा एम टू, क्या आएगा वाई टू माइनस फाइव वन अपॉन एक्स टू माइनस वन, इसका स्लोप एम वन है, इसका स्लोप एम टू है, तो इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, देखो इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो टैन थीटा कितना होता है एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू होता है, ये होता है फॉर्मूला। ये समझो कि सर बी और ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कि देखो ये 16.16 दिया, ये नॉर्मल टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, नॉर्मल है, तो फॉर्मूला क्या पड़ा है हमने बताओ, वाई टी इक्वल जीरो करके क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, तो क्या पड़ा है वाई स्क्वायर बोल दो वाई बाय वन इज इक्वल टू 16, एक्स को बोल दूंगा एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। खुशी है यार, देखो जो बोर्ड वाला जो ट्रिग्नोमेट्री, देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तीन चार डिपार्टमेंट है, जैसे बताया था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज रेशियो हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री एक इक्वेशन वाला जनरल, एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होता है। तो ये समझो कि चार चैप्टर है, चार डिपार्टमेंट है, तो चार डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट तुम्हारे ट्वेल्थ में, कुछ डिपार्टमेंट इलेवेंथ में, तो मैं अगर एक साथ पढ़ाऊंगा ना तो प्रॉब्लम ये है कि इलेवेंथ के जो बच्चे रहेंगे उनको थोड़ा समझेगा थोड़ा नहीं समझेगा, जब ट्वेल्थ के बच्चे उनको समझ में आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा कि जब इलेवेंथ का पढ़ाऊंगा, जब इलेवंथ के बच्चे, तुम तो ऑलमोस्ट इलेवंथ तुम्हारा डन होने वाला है, तो मैं इलेवंथ के बच्चों को पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड इसमें जब यूट्यूब पे, तो देख लेना, ठीक है, और ट्वेल्थ का जब पढ़ेंगे मैं कोशिश यही करूंगा कि ट्वेल्थ का जो ट्रिग्नोमेट्री है ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना, मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम इलेवंथ में हो तो इलेवंथ ट्वेल्थ मिक्स पढ़ाने से वो सही नहीं रहने वाला है, ठीक है, और जेई का तो पढ़ाऊंगा, खुशी क्यों टेंशन लेते हो, तुम ऑलरेडी विजन बैच में हो तो मैं पढ़ा दूंगा उसको। सर इलेवेंथ का ही नकल दो, मतलब मैं सुनना नहीं। अब क्या करना है पहले इसको देख लेते हैं यार, यहाँ पर देखो वाई वन की वैल्यू कितनी है, 16 डाल दो तो 16 वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 16 बाय टू तो हो जाएगा 8, यहां से कितना हो जाएगा 8, फिर x प्लस x1 की वैल्यू कितनी दी है 16, तो यहां से हो गया 2y इज इक्वल टू x प्लस 16। अब देखो यार ये जो लाइन है x पे कट कर रहा है ना, इसका x इंटरसेप्ट निकाल लो, ये पढ़ाया था मैंने, इसका x इंटरसेप्ट कितना होता है, y को जीरो कर लो, ठीक है, y को जीरो कर लो, इसका मतलब y को जीरो करेंगे x प्लस 16 हो गया, तो x के लिए कितनी हो गई माइनस 16 हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट क्या हो गया माइनस 16.0 हो गया, इसको मैंने ऐसे बोल दिया। अब ये पॉइंट बी निकालते हैं, देखो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के सबसे पहले क्या होता है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कि इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, देखो यार ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, दो से डिवाइड कर लो, देखो y कितना है बेसिकली 1/2x प्लस 8 है, देखो स्लोप कितना आ गया 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है -1/2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस बाय वन ऐसे होगा इज इक्वल टू -1/2 x माइनस एक्स वन हो गया। अब वापस x इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं y को जीरो करना है, तो कितना है बताओ, ये 0 - 16 मतलब -16 इज इक्वल टू -1/2, फिर x -16 हो गया, ये कैंसिल हो, कितना माइनस माइनस कैंसिल हो गया 32 इज इक्वल टू x -16 हो गया, तो x के लिए कितनी आ गई 48 आ गई, तो ये हो गया 48.0 हो गया, ठीक है 48.0 हो गया, ठीक है। सर इलेवेंथ का ही
अच्छा सर 11th जितना है ना उसका वन शॉट ले लूँ। अच्छा ठीक है ओके, खुशी दी है, मुझे रिमाइंड करवा देना एक दो बार, दो तीन बार रिमाइंड करवा देना, मैं भूल जाऊंगा ये तो, मैं वैसे ही करता हूँ कि 11th का जो है उसका वन शॉट ले लूंगा। ठीक है एक्सक्यूरी 48 हो गया, देखो तुमको एक कॉर्डिनेट कितना मिल गया, एक कॉर्डिनेट तुमको आ गया, ये क्या है टेंजेंट कितना आ गया था, आ गया -16, तो ये हो गया -16.0। ठीक है बी कितना आ गया तुम्हारा 48 है, तो ये हो गया 48.0। अब ये क्या है इसका मिड पॉइंट है, तो कितना आएगा बताओ, 48 माइनस 16 कर लो कितना हो रहा है 32, मतलब 16.0 हो जाएगा, सॉल्व करने ये होगा 16.0। अब बताओ ये पी तुमको दिया हुआ है 16.16, तो स्लोप ऑफ पीसी निकाल लेते हैं क्या होगा y2 - y1, तो 16 - 16 हो गया। ठीक है डिवाइड बाय फिर 16 - 0 हो गया सॉरी, फिर 16 - y2 - y1 और 16 - 0 x2 - x1 तो 16 - 16 हो गया, तो ये आंसर आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, तो यार तो इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है स्लोप ऑफ फिर पी भी निकाल लो कितना हो रहा है y2 - y1 तो 16 - 0 अपॉन 16 - 48 हो रहा है, मतलब आंसर क्या हो रहा है 16 - -32, तो आंसर आ रहा है -half। ठीक है अब बताओ ये इन्फिनिटी है माइनस हाफ है तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला क्या था tan थीटा का, tan थीटा फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। देखो तुमको एक दिया हुआ इन्फिनिटी माइनस एक दिया हुआ है माइनस हाफ अपॉन 1 + ये दिया हुआ है इन्फिनिटी और माइनस हाफ, जो भी तुमको दिया हुआ है माइनस कितना दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी और यहां पर दिया हुआ है हाफ, तो इन्फिनिटी डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखो आंसर आएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मतलब 1 और यहां पर ये कैंसिल हो गया, यहां पर 1 - इन्फिनिटी यहां पर माइनस यहां पर हाफ बचेगा ऐसा, तो आंसर आएगा 2। तो tan थीटा के लिए कितनी आ रही है 2 आ रही है, tan थीटा के लिए 2 आ रही है मतलब ऑप्शन क्या आ रहा है बी। ठीक है आंसर कितना आ रहा है बी आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा बी। तो आई होप यार तुमको समझ में आ रहा होगा, और इसके बाद हम लोग अगले सेशन में मतलब यही तो मैं डन कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ इसके बाद देखो 2015 का कुछ सवाल दिया हुआ है, 2010 का कुछ सवाल दिया हुआ है, ये तुम खुद से ट्राई करना है। ठीक है और अगले सेशन में मैं वापस बता रहा हूँ PYQ पढ़ाऊंगा, अगले सेशन में मैं PYQ पढ़ाऊंगा JEE मेंस का, JEE मेंस का। ठीक है JEE मेंस का पढ़ेंगे, तो चलो यार मिलते हैं अगले सेशन में, यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूं, तो बाय बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सेशन मतलब कल के सेशन में, कल के संडे के सेशन में। ओके बाय बच्चों।